नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजकुमार शर्मा। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए भले ही सभी राजनीतिक दल पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ते हुए योगेंद्र यादव की स्वराज इंडिया पार्टी ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में 23 जुलाई को अपने 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया। योगेंद्र यादव पहले ही हरियाणा की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। योगेंद्र यादव पिछले काफ़ी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं और इस दौरान हरियाणा की जनता से जुड़े मुद्दे लगातार उठाते रहे हैं। उम्मीदवारों की घोषणा के दौरान योगेंद्र यादव ने बड़ी ही साफगोई से इस बात को स्वीकार किया कि वो अगले चुनाव में सरकार बनाने का वादा और दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य विपक्ष की जगह को भरना है। हालांकि योगेंद्र यादव ने ये बात कही तो बहुत ही साफगोई से है, लेकिन उनकी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से मौजूदा हरियाणा की राजनीति के समीकरण जरूर बदलते नजर आ रहे हैं। मौजूदा समय की अगर बात करें तो हरियाणा की राजनीति में मुख्य तौर पर बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जजपा और आम आदमी पार्टी हैं। इसके अलावा बीएसपी और राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी भी हरियाणा में अपना थोड़ा बहुत वजूद रखती हैं। ऐसे में इतने सारे राजनीतिक दलों के बीच भले ही अपनी जगह बना पाना योगेंद्र यादव और उनकी स्वराज इंडिया पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किल रहने वाला है, लेकिन इन सब के बीच स्वराज इंडिया पार्टी के लिए अच्छी बात यह है कि उनकी पार्टी राजनीति में बिल्कुल नई नवेली है और ऐसे में उम्मीदों का बहुत ज़्यादा बोझ ना तो योगेंद्र यादव पर है और ना ही उनकी पार्टी पर। इसीलिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वयं योगेंद्र यादव ने कहा कि हरियाणा के आगामी चुनावों में उनकी पार्टी सरकार बनाने नहीं जा रही, बल्कि उनकी पार्टी केवल विपक्ष की खाली जगह भरने जा रही है। मैं आपके सामने ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं जानता हूं मीडिया प्रेस के सामने बोल रहा हूं, ऐसा कोई झूठ मैं आपके सामने नहीं बोलूंगा जो 3 महीने के बाद आके मैं नहीं करूंगा। इस प्रदेश में एक सच्चे विपक्ष और प्रतिपक्ष की जरूरत है। आज वो प्रतिपक्ष का मैदान एकदम खाली पड़ा है और हम उसमें मजबूती से आएंगे। आप देखना 3 महीने के बाद हम उसमें कहाँ खड़े होंगे। और एक बार जैसे मैंने कहा, अगर जनता को एक बार जनता के मन में ये बात आ जाती है कि हाँ भाई एक कुछ तो विकल्प होना चाहिए, फिर जनता एक सूखे पत्ते को भी हवा उड़ा के पता नहीं कहाँ ले जाती है। वो जनता के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ इस दौरान ये भी समझना जरूरी है कि स्वराज इंडिया पार्टी के मैदान में आने से किसे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। दरअसल इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। आपको याद दिला दें, योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने योगेंद्र यादव के पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसके बाद ही योगेंद्र यादव ने स्वराज इंडिया मंच की स्थापना की थी। साथ ही स्वराज इंडिया पार्टी ने पहले चरण की लिस्ट में जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है उसमें से अधिकतर लोग कभी ना कभी अन्ना आंदोलन से और बाद में आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं और जमीन पर रहकर संघर्ष करते रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के स्वराज इंडिया पार्टी से जुड़ने से सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को ही हुआ है। यहां पर आपको यह भी बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अभी हरियाणा के विधानसभा चुनावों में लड़ने का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने ये जरूर हरियाणा की सभी सीटों पर लड़ने का दावा किया है। अब आम आदमी पार्टी हरियाणा चुनाव में उतरती है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन स्वराज इंडिया ने हरियाणा के मैदान में उतरकर राजनीतिक पारे की गर्मी को जरूर बढ़ा दिया है। योगेंद्र यादव ने हरियाणा में एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत भी की है और जिस तरह के मानदंड योगेंद्र यादव ने अपनी पार्टी के लिए रखे हैं वो पहली नज़र में भले ही अजीब लग रहे हों, लेकिन आपको याद दिला दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का उदय भी ऐसे ही हुआ था। साथ ही अनेक राज्यों में कई अन्य राजनीतिक दलों का उदय भी ऐसे ही हुआ है। अब योगेंद्र यादव की राजनीतिक पार्टी को जनता का कितना समर्थन मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा,
लेकिन यहां बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की एक मशहूर बात आपको याद दिलाना जरूरी है। काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के बाद कहा था कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव चर्चा में आने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ना है। और स्वराज इंडिया पार्टी फिलहाल चर्चा में तो आ ही गई है, अब आगे आगे देखें कि होता है क्या। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।